नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आप सभी लोग देख रहे हैं साइबर कैफे चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीसीसी, जी हाँ दोस्तों पीसीसी, चाहे वो दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए हो या और किसी कंपनी के लिए, उसका स्टेटस जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, मेरे सामने क्रोम ओपन है। अब हमें क्या करना है कि पीसीसी का स्टेटस कैसे चेक करने हैं ये पता करना है। तो सबसे पहले सिंपली पीसीसी लिखेंगे। ये देखिए, अगर आपका ऐसे नहीं आता है तो आपका लिए दूसरा तरीका भी है कि पीसीसी लिखेंगे तो हम मेन जो पीसीसी की वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। हालांकि आजकल ये वेबसाइट काफ़ी ख़राब चल रही है, पेमेंट के बाद हमारी पेमेंट जो है इसमें फंस जाती है, तो थोड़ा सावधानी रखें। और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। देखिए, एक तो वो पीसीसी मैंने डायरेक्ट लिखा था। अब हम दूसरा एक चीज़ कर सकते हैं इसका स्टेटस पता करने के लिए, दिल्ली पुलिस की मेन वेबसाइट पे जाएंगे। ये देखिए मेन वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इसमें हम सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी पे क्लिक करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट और ये वाली वेबसाइट दोनों सेम ही है। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट पीसीसी लिख के भी आ सकते हैं और इस तरह से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें आप लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो आपने बनाया था, जैसे कि अगर आप लोग पीसीसी करेंगे मेरी वीडियो देख के तो उसमें आपको पता लगेगा कि पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी आप लोग स्टेटस देख सकते हैं, उसमें पेंडिंग होगा या तो फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। और अगर आपको इसमें लॉगिन नहीं करना है, झंझट में नहीं पड़ना है, तो आप लोग पीसीसी कंफर्मेशन स्टेटस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे पीसीसी नंबर जो कि कुछ इस तरह से आपको मिलता है, ये कैपिटल में होता है एस और बी। आजकल जो पीसीसी हो रही है वो कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है और बाकी यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा जाता है जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे आपके हस्बैंड का नेम या फादर का नेम यहाँ पे होता है या गार्जियन का नेम। उसके बाद सर्च पे आप लोग क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद नीचे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। डिटेल्स कुछ इस तरह से आएंगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। डिटेल्स कुछ इस तरह से आएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इशूड डाउनलोड, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा अगर वो बन चुका होगा तो। यहाँ पे देखिए इशू डेट भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, अप्लाई डेट शो कर रहा है। 17 तारीख को अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो 22 तारीख तक बन जाता है। यहाँ पे हालांकि काफ़ी जल्दी दिखा रहा है लेकिन नॉर्मली इतना जल्दी होता नहीं है, बनता नहीं है। अगर ये नहीं बनता है तो ये सारी डिटेल्स आपकी सेम रहेंगी, इशू डेट नहीं दिखाएगा और यहाँ पे पेंडिंग पे, यहाँ पे जो रेड कलर में लिखा है यहाँ पे ब्लैक कलर में पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। बस इतना सा ही फ़र्क है और यही सिंपल सी चीज़ है कि आप लोग को अगर स्टेटस पता करना है तो आप लोग ऐसे ही पता कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे डाउनलोड है तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह से हमारे सामने ये पीसीसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें हमारी फ़ोटो वगैरह और बाकी डिटेल्स होंगी। ये नीचे से कुछ इस तरह से होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, और ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक ये वैलिड है। वैसे तो नॉर्मली ये 6 महीने का वैलिड होता है लेकिन अब शायद ये 9 महीने तक का वैलिड होने लग गया है। तो इस तरह से कुछ हमारा निकलेगा और इसी तरह से हम लोग स्टेटस भी अपना देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं थी लेकिन फिर भी जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मेरे को और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। प्लस इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो, और वो इस नॉलेज से अनजान है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।